मित्रों, मैं आचार्य विशाल शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हस्तरेखा। हस्तरेखा के बारे में हम जानेंगे, जीवन रेखा। हस्तरेखा में जो जीवन रेखा होती है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। कई लोग क्या है, कई लोगों को कंफ्यूजन बना रहता है कि हमारी जीवन रेखा आधी है पूरी है, तो कई लोगों में ये भ्रांतियां फैल गई है, ये विषय फैल गया है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमें कई सारे नकारात्मक सोचों की तरफ, नकारात्मक विचारों की तरफ ले जाता है। हमारा अधूरा ज्ञान हमें बहुत सारे संकटों में भी डाल देता है। क्या हम एक वर्ड से 10 वर्ड निकाल लेते हैं, हम सोच लेते हैं हमारे जो जीवन रेखा वो थोड़ी सी है, आधी है, हमारी कटी पिटी, हमारा जीवन तो आधा है, हमारा जीवन अधिक समय नहीं है, हमारा इतने उम्र तक हम जीवित रहेंगे, इतने उम्र तक हम रहेंगे, इस उम्र में अलविदा कह देंगे। ऐसा नहीं रहता है। आपको पूर्णतः ज्ञान अर्जित करना होगा। आप ज्योतिष ज्ञान को और हस्तरेखा ज्ञान को दोनों को ही समझे, पूरे वीडियोस देखे, उनकी पुस्तकें पढ़े, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे आए। आप अधूरे ज्ञान की वजह से आप में एक भ्रांतियां फैल जाती है। तो आज मैं उसी भ्रांति को हटाने के लिए, हस्तरेखा के बारे में आप सभी को बताने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे आप जान पाएंगे कि हमारी जीवन रेखा हमारे भविष्य के बारे में क्या कहती है, उससे हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं, और आपके हस्तरेखा आपके बारे में क्या बताती है। तो हम जानते हैं हस्तरेखा। देखिए, आपके यहाँ पर चिन्ह आ रहा होगा हस्तरेखा का। देखिए, हस्तरेखा में जीवन रेखा, जो जीवन रेखा इस प्रकार से होती है। कई लोगों की जीवन रेखा आधी होती है, अधूरी जीवन रेखा होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा समय कुछ समय के लिए हम इतनी उम्र में हम चले जाएंगे, इतना ही जीवन है हमारा। जीवन रेखा का मतलब ये नहीं होता। देखिए, जिन लोगों की जीवन रेखा आधी होती है, छोटी जीवन रेखा होती है, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, हर चीज में वो कमी पाते हैं, हर चीज में वो उन्हें धन में कमी होती है, व्यवसाय में कमी होती है, सुख में कमी होती है, हर चीज में कमी, अपने कार्यों में कमी ही कमी पाता है, वो किसी भी कार्य से संतुष्ट नहीं हो पाता है, अपने वैचारिक मतभेदों से वो ज्यादा ही उलझता रहता है, अपने कार्य क्षेत्र में उसके कई ना कई मतभेद बनते रहते हैं, जीवन में उसके कई सारे संघर्ष भी रहते हैं और कई सारे ट्रांसफर भी उसके जीवन में होते रहते हैं। तो जिन लोगों की आधी जीवन रेखा है, तो उनके जीवन में हमेशा सुख की कमी का अभाव बना रहता है। अब मैं बात कर लेता हूं जिनकी जीवन रेखा में इस प्रकार से आधी मुड़ रही है, दो भाग में बन रही है, यहाँ पर चिन्ह आ रहा होगा, दो प्रकार से बन रही है, चिन्ह आ रहा है। तो इस व्यक्ति का जीवन अपने जन्म स्थान से दूसरी जगह जाके तरक्की करना, ये व्यक्ति अपने जीवन में नाम पैसा धन दौलत अवश्य रूप से पूर्णतः रूप से कमाता है। ये विदेश जाने, जिन लोगों को विदेश जाने की इच्छा रहती है, जो कनाडा वगैरह जाना चाहते हैं, विदेश जाकर धन अर्जित करना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, अगर उन व्यक्तियों की जीवन रेखा इस तरीके से दो भागों में बढ़ रही है, वो व्यक्ति अवश्य रूप से विदेश जाता है। पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो विदेश जाकर धन अर्जित करा पाता है और वहां पर सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा नाम शोहरत कमा पाता है। तो जिन व्यक्तियों के हाथ में दो रेखा बने, वो लोग विदेश जाकर धन अर्जित कर पाते हैं, अपने जीवन में पूर्णतः रूप से संतुष्ट रहते हैं और अच्छा खासा धन कमा पाते हैं। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों की जीवन रेखा कटी पिटी रहती है, यहाँ पर चिन्ह आ रहा होगा, उन लोगों के जीवन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मान सकते, वो ज्यादा लोग रोगों से ग्रसित रहते हैं, अपने रोगों से ग्रसित रहते हैं, उनका बुढ़ापा भी बहुत ज्यादा तकलीफ में जाता है, बहुत ज्यादा रोगों से रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चिंताएं बनी रहती है, मानसिक चिंता सबसे ज्यादा, ये डिप्रेशन में आ जाते हैं, ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मानसिक चिंताएं बनी रहती है, हर चीज में विचार विमर्श के कार्य नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनको कई सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जिन लोगों की जीवन रेखा पूरी जा रही होती है, जिन लोगों की बहुत प्यारी सी जीवन रेखा बिल्कुल यहां तक बिल्कुल सीधी जा रही होती है, वो व्यक्ति बहुत ही, उनका जो बुढ़ापा होता है सबसे अच्छा जाता है, बुढ़ापा सबसे अच्छा जाता है, अपने नाते पोती के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और बुढ़ापे में उनको गारंटी है कि उन्हें किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। अपने आखिरी समय में, जिस समय आप इस देश को, इस जीवन को अलविदा कहने वाले, अपने शरीर को छोड़ने वाले होते हैं, उस समय आपको किसी प्रकार का रोग नहीं होता, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, आपका आखिरी समय किसी भी परेशानियों से, किसी बीमारियों से ग्रसित नहीं रहता, आपका जो बुढ़ापा रहता है, आपका जो ओल्ड एज रहती है आपकी, बहुत अच्छी जाती है, बिल्कुल
स्वतंत्र जाती है, सुख में जाती है, कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगला आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य रूप से बताइएगा, आपके सुझाव मैं अवश्य रूप से पढ़ता हूँ। आपके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप कौन सी हस्तरेखा के बारे में, कौन सी रेखाओं के बारे में, हस्तरेखा में कौन सी रेखाओं के बारे में आप और जानना चाहते हैं, कौन सी विशेष रेखाओं के बारे में आप जानना चाहते हैं। आपका कमेंट अवश्य रूप से पढ़ता हूँ और उस कमेंट पे मैं आपके लिए अगला वीडियो उसी सुझाव पे आपके लिए लेकर आऊंगा। आपका एक लाइक हमें बहुत आगे बढ़ा सकता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं आपके लिए और भी ज्योतिष के अलग अलग वीडियो, हस्तरेखा के अलग अलग वीडियोस आपके लिए लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। आपका एक लाइक हमें बहुत आगे बढ़ा सकता है। जय श्री राम। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, ये पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।